आज हम मशरूम और पालक की एक नई डिश तैयार करेंगे और यह डिश यकीन मानिए बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार इसे आप ज़रूर बनाकर देखें। नमस्कार, रितुज किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है और आज हम बना रहे हैं मशरूम और पालक। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने मशरूम ले लिए हैं, इनको पहले धोकर साफ़ करके उबाल के नमक के साथ में रख लिया है और छोटे पीसों में काट लिया है। अब मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ, साथ में नमक ऐड कर देती हूँ और हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसके बाद में धनिया डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये प्रोसेस करने का मेन रीज़न है, हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं। इसके बाद में अब हम इसमें एक बड़े चम्मच दही भी ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा उसके बाद में हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम इसे ढक देते हैं। दूसरी कढ़ाई में अब हम यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल लेते हैं और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद में हमने ये 10 मिनट के बाद में जो मैरिनेट होने के लिए छोड़े थे मशरूम, उन्हें हम यहाँ ऐड कर देते हैं और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। मात्र 5 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है। अब मैं यहाँ पर मिक्सर जार में लहसुन और प्याज ले लेती हूँ और हम इन्हें पेस्ट के रूप में तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक प्याज लिया और इसे मोटा मोटा काट लिया है और मैंने पीस लेती हूँ। इधर मशरूम हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद में ही हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे। आप मक्खन का भी यूज कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर खड़े मसाले में तेज़पत्ता ऐड कर देती हूँ, साथ में प्याज है जिसे बारीक काट के मैं यहाँ डाल देती हूँ। अब हम प्याज को ब्राउन होने देंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद में ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज लगभग ब्राउन हो रही है। इसके बाद में ही मैं यहाँ पर मसाले ऐड करूँगी। हम यहाँ पर सबसे पहले हींग ऐड कर देते हैं। हींग पाउडर ऐड किया है, इसे आप कम मात्रा में ही लें। साथ में मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, यह आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ कम ही लिया है। साथ में नमक ऐड कर देते हैं, आप इसकी मात्रा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है। अब हम यहाँ पर जीरा पाउडर लेंगे और दालचीनी पाउडर, साथ में काली मिर्च पाउडर भी यहाँ हम ऐड कर देंगे और इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन जाने चाहिए और इसमें जो घी है वो ऊपर आ जाना चाहिए। इसके बाद में ही हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था उसे हम यहाँ ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। मसाले भुनने का प्रोसेस फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी सब्जी में टेस्ट आता है। ये देखिए धीरे धीरे ये पेस्ट गाढ़ा हो गया है और पानी लगभग सूख चुका है। घी एकदम से ऊपर आ गया है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पालक और हरी मिर्चें जिन्हें हमने उबाल के और मिक्सर जार में पीस लिया था उसे भी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से फिर हम चम्मच की सहायता से चला लेते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी भी मिक्सर जार में डाल के कढ़ाई में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हुई है इसलिए हम यहाँ पानी ऐड कर रहे हैं। और इसे फिर से हम चम्मच से अच्छे से चला लेते हैं, हमें उबाल आने तक इसे पकाना है। जब इसमें एक से दो उबाल आ जाएगा उसके बाद में ही हम आगे मशरूम ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें जो सारे मशरूम हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद में ही हम इसे अच्छे से चला लेंगे। मशरूम ऐड हो चुके हैं, अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिला लेते हैं। एक बार आप इसे सब्जी को जरूर बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक नए तरीके से हमने मशरूम को पालक के साथ में बनाया है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखें। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर दिया है। अब देखिए इसमें जो तेल और घी है ऊपर आ गया है। अब मैं इस स्टेज पर इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। कसूरी मेथी को अच्छे से हाथों से मसल कर हमें यहाँ ऐड करना है। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। लास्ट में फाइनल टच के लिए हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ 1 चम्मच मक्खन लिया है। और इसे भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। बस हमारा सब्जी एकदम रेडी है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है। एक बार आप इसे ज़रूर बना कर देखें, आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके देखें, क्योंकि भी प्रोसेस बीच में छूट जाता है तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें। हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। धन्यवाद।